Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn the worksheet 1 of unit 2, addition and subtraction. So now we will start it. Question number 1, addition. तो addition करेंगे, सबसे पहले तो जैसे numbers को उतार लेंगे, then आपको क्या करना है कि पहले 1 से start करना है adding. सबसे पहले आपको वंस से स्टार्ट करना है. तो वंस में 7 प्लस 2 इक्वल टू 9, देन 4 प्लस 0 इक्वल टू 4, देन 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, देन 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 5 अपॉन 6, ओके, देन 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 प्लस 4 9, देन 7 प्लस 2 इक्वल टू 9. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एडिशन, ए भी एडिशन है बट ये आपको क्या है कि बस नंबर्स में लिखा हुआ है. तो देन इसको भी आपको प्लेस वैल्यू चार्ट जो है उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है. तो आपको निम्बल्स को 1, 10, 100, 1000, 10000 के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करके तब फिर एडिशन करना है. तो आप देख सकते हो पहले कितने नंबर्स हैं. तो सबसे पहले 1, 10, 100, 1000, 10000, 10000 तक हैं नंबर्स. देन यहाँ मेंशन करोगे 1, 10, 100, 1000, 10000, देन उसके अकॉर्डिंग सारे नंबर्स को लाइन बाय लाइन लिखते जाओगे, उसके बाद एडिशन स्टार्ट करोगे. तो यहाँ 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, 4 प्लस 7 इक्वल टू 11, 1, 5 प्लस 3 प्लस 0 इक्वल टू 8, 8, देन 1 जो आपका कैरी आ गया, इसका जो ऐड किए 11 आया, तो 11 का 1 लिखेंगे, देन 1 यहाँ आपका कैरी हो जाएगा. तो आपको कितना आ गया यहाँ 9, देन नेक्स्ट 6, 6 प्लस 1 इक्वल टू 7, 7 प्लस 3 इक्वल टू 10, 10 का 0, देन 1 जो आपका इस पे कैरी आ जाएगा. देन 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, 8 प्लस 0 इक्वल टू 8, देन ये जो ऐड कैरी ओवर किए हैं आप उसे भी आपको ऐड करना है. तो 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, देन 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 1, देन 7. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसको भी ऐसे इसी तरीके से अरेंज करेंगे. देन इसको अकॉर्डिंग वंस के सामने वंस नंबर, टू टेंस के सामने टेंस का नंबर ऐसे लिखेंगे. देन इसको एडिशन करेंगे. 5, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 3 9, 7 प्लस 2 9 प्लस 0 9, 5 प्लस 1 6 प्लस 0 6 आ गया, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अगेन सेम अरेंज करेंगे पैटर्न्स में. देन एडिशन 1 से स्टार्ट करेंगे. तो 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 2 14, 14 का 4, देन 1 आपका कैरी ओवर यहाँ हो जाएगा. देन 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 9 21 प्लस 1 22, 2 का 2 लिखेंगे, देन जो नेक्स्ट 2 है आपको नेक्स्ट नंबर पे लिख देंगे. देन 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 10, 10 का 0, देन 1 यहाँ कैरी ओवर, 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, 6 प्लस 3 इक्वल टू 9. तो इस तरह से जितनी भी एडिशन करेंगे ना, तो लेफ्ट जैसे 2 डिजिट के नंबर आ गए तो हमको 1 साइड से नंबर्स लिखना है 1 डिजिट का, देन नेक्स्ट जो बच जाता है आपको वो अगले नंबर पे आपको कैरी ओवर कर देना है. जैसे यहाँ आपका 14 आया, तो 14 का क्या लेफ्ट साइड से लेते हैं तो 4 लिखेंगे. वंस के वंस के जहाँ पे नंबर आता है, जैसे 14 में 1 4 आया, तो 4 आपका वंस के टेबल में आ गया. देन 1 जो है टेंस के, तो वंस वाले नंबर को यहाँ लिख दिए, देन टेंस वाला जो नंबर है उसे आप कैरी ओवर कर देंगे. तो इसी तरह से सारे को हम करते जाएंगे. देन देख सकते हो 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, 15 का 5, देन 1 जो है कैरी ओवर यहाँ हो गया. 7 प्लस 1 8, 8 1 9, देन 1 10, 10 का 0, देन 1 कैरी ओवर. 3 प्लस 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 4 इक्वल टू 9. देन नेक्स्ट नेक्स्ट में भी ऐसे ही 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, 10 का 0, 1 कैरी ओवर. देन 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 2 11,
11 का 1, देन 1 कैरी ओवर, फिर 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 2 11, 11 का 1, देन आपका का 1 लिखेंगे, देन 1 यहाँ कैरी ओवर हो जाएगा, देन इसी तरह 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, देन 5 का 5 उतार देंगे, अगेन सेम, इसमें भी 9 प्लस 2 12, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 4 15, 5 लिखेंगे, देन 1 यहाँ कैरी ओवर हो जाएगा, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, 10 का 0, देन 1 कैरी ओवर, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, 11 का 1, देन 1 कैरी ओवर, देन 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 देन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में अरेंज इन कॉलम एड एड, तो इसको कॉलम में लिख के आपको ऐड करना है, तो कॉलम में जैसे आपको उसी पैटर्न में लिख के एक के नीचे एक सम, वंस के सामने वंस, टेंस के सामने टेंस, टू फिर 100,000, 10,000 लिखेंगे, देन इसी तरीके से ऐड करके जो आएगा वो कैरी ओवर देन ऐड करते जाएंगे, तो इस तरह से इसमें भी आप देख सकते हो एडिंग प्लस जो नंबर्स एक्स्ट्रा, वंस वाले नंबर लिखना है, टेंस वाले नंबर को आगे कैरी ओवर करते जाना है, तो इस तरह से ये सारे सम मैंने बनाए हैं, आप इसे खुद से एडिंग कर करके फिर जो वंस वाले नंबर को आपको यहाँ लिखना है, देन टेंस वाला जो नंबर एडिंग के बाद आता है उसे कैरी ओवर करते जाना है, तो ये सारे क्वेश्चंस इसी टाइप्स के हैं, आप इसे एडिंग प्लस कैरी ओवर, कैरी ओवर को आप इस तरीके से सर्कल भी कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैरी ओवर आपने किया है और इसे ऐड करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, तो सबसे पहले आपको लार्ज नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, तो 9999, देन स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट तो आपको हो जाएगा 10,000, देन दोनों का एडिशन जब आप करोगे तो आएगा 19,999 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपका वर्कशीट 1 यहाँ कंप्लीट हुआ, होप सो दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। Thanks for watching this video.